Assalamualaikum friends, welcome to StudyHiGh.Pk and subscribe, keep in contact for more videos helping to your in-test lectures etc. आज हम बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो है कि in-test में आपने MDCAT में NUMS का हो, UHS का हो या फिर KPK वालों का हो, आपने किस तरह से 96% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं. और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि सर आपने जब MDCAT दिया तो आपने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई, लास्ट वीक में आपने किस तरह से प्रिपरेशन की, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले दो ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो कि मैं यूज़ करता था पेपर से पहले, और फोर ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपको पेपर के दौरान यूज़ करनी होंगी, तो फिर ही आप MDCAT में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं. पेपर से पहले आपने क्या करना है कि आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ऐसे नोट्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके वीक पॉइंट हों, वो तमाम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपने न्यू गेट किए हैं MDCAT की प्रिपरेशन के दौरान, आपने उनको अपने नोट्स में जगह देनी है. जबकि जो वेस्ट मटेरियल है, सेल इज द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, इसके अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, इन चीज़ों की आपके नोट्स में कोई जगह नहीं होनी चाहिए. तो ये बात समझ लें, फिजिक्स के न्यूमेरिकल ऐसे MCQs जो कि आपको डिफिकल्ट लगी हों, ऐसे स्किल्स जो कि आपने न्यू सीखी हों, उनको आपने नोट्स में जगह देनी है. आपने नोट्स बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए थे, मैंने तो काफ़ी शेयर भी कर दिए हैं, उनमें काफ़ी एडिशन कर दिए नाम के पास पेपर एवरीथिंग. तो इसके अलावा दूसरी स्ट्रेटजी जो कि आपको पेपर के दौरान करनी होगी, जिनमें आ जाता है कि आपने सबसे पहले तो इजी MCQ सॉल्व करने है, सिंपल सी बात है. इजी MCQ सॉल्व करने के बाद फिर आपने करना है मीडियम साइज MCQ जिनका डिफिकल्ट लेवल मीडियम है. उसके बाद वेरी डिफिकल्ट MCQ, ये जो वेरी डिफिकल्ट MCQ है ना, ये डिटरमाइन करेंगे कि आप किंग एडवर्ड में जाएंगे, अलामा इकबाल में जाएंगे, मीरुद्दीन में जाएंगे, गुजरांवाला में जाएंगे, आप अपने घर जाएंगे. ये बहुत ही अहम स्टेप है, इनको मैं किस तरह सॉल्व करता था, आपने किस तरह करना है, इनको भी डिस्कस करते हैं. और दूसरी अहम बात, जब आपने जैसे ही बायोलॉजी के इजी MCQ सॉल्व कर लिए, फिजिक्स कर लिए, केमिस्ट्री कर लिए, जब लास्ट 30 मिनट्स रह जाते हैं तो आपके माइंड में अजीब सी फीलिंग आती है, मेरे माइंड में बैठी यार टाइम बहुत कम रह गया, मैं पेपर को लूज कर रहा हूँ, अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो रहा है मेरा, इस तरह की फीलिंग आती है. आप फिर अपने आप को फास्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब आप अपने माइंड को, अपने हाथ को फास्ट करते हैं, तो तब आप गेम हार चुके होते हैं. आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है, आपने ज़रा भी जल्दी नहीं करनी. तो मुझे भी आया था, मैंने फ़ौरन पेंसिल छोड़ के पानी पिया. जो मिडिल साइज MCQ थे, जैसे कि आपने देखा जब आप इजी MCQ सॉल्व कर, सबसे पहले एक ऐसा MCQ था जो कि काफ़ी लेंथी है, लेकिन आपने देखा इसमें ये फार्मूला लगेगा, एक मिनट में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है. फिर आपने उन MCQs को जो कि मिडिल साइज थे, जिनको टिक करके आप एक मार्क्स हासिल कर सकते हैं, उनको आपने क्लियर करना है. और जब ये फीलिंग आपको आएगी कि आप हार्ड हैं, तो आपने बिल्कुल फास्ट नहीं होना, रिलैक्स रहना. मुझे भी आई थी, लेकिन जब मैंने बिल्कुल रिलैक्स होकर जितने MCQs, यूँ समझ कि अगर 15 MCQ पीछे रह गए हैं, लगता है ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा है, होते कम है, क्योंकि आपने आपके माइंड ने उन तमाम MCQs की पिक्चर खींची होती है जो कि आपके माइंड से, आपकी नज़रों से गुजर गए, वो डिफ़िकल्ट थे, अगरचे उनकी नंबरिंग 2-3 हो, आपके माइंड को लगता है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हकीकत में वो बहुत ज़्यादा नहीं होते. तो मैंने भी रिलैक्स होकर एक सॉल्व किया, दूसरा सॉल्व किया, तीसरा किया, ताकि जितने करेक्ट कर सकूँ वो तो करूँ ना, तो फिर भी मेरे 5 मिनट बच गए थे. सो आपने भी अपने माइंड को पूरे MDCAT के दौरान रिलैक्स रखना है और पानी पीते रहना है, क्योंकि लास्ट में आप जाते हैं तो आपका माइंड काफ़ी थक भी चुका होता है. 2-3 चॉकलेट अपने साथ ले जाएँ और उनको भी खाएं, और मैं भी चॉकलेट अपने साथ ले गया था ताकि आपकी एनर्जी भी पूरी होती रहे, क्योंकि उस दिन तो वैसे भी कुछ खाने को दिल नहीं करता सुबह टाइम. तो आपने ऐसा करना है कि इस तरह 2-3 चॉकलेट अपने साथ डेयरी मिल्क ले जाएँ. अब बात रहेगी कि लास्ट 15 मिनट्स आपके पास डिफ़िकल्ट MCQ जो उनसे हैं वो 15 है फ़र्ज़ करें, तो अगर आप इनमें से करते हैं ऐसा कि कुछ में ऐसा भी होता है, इंग्लिश की कैब में हो, बायोलॉजी में भी हो जाता है, आपने MCQ के ऑप्शन के ऊपर गौर करना है. 4 ऑप्शन है, उनमें से आपने देखने को 3 ऐसे MCQ होंगे जो कि बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और 4 ऑप्शन बिल्कुल डिफ़िकल्ट है, डिफरेंट है. जो ऑप्शन तीनों से डिफरेंट है, एग्जैक्टली वही आंसर है, अगर चाहिए आपने क्वेश्चन को देखा भी नहीं है. तो ये भी एक ट्रिक होती है किस तरह से MCQ को सॉल्व किया जाए, ऐसे MCQ जो कि आपको नहीं आते. दूसरा, बायोलॉजी के पोर्शन मकसद ऐसा होता है केमिस्ट्री के अंदर कि आपको MCQ के 2 ऑप्शन का पक्का पता होता है कि ये इसके ऑप्शन नहीं हो सकते, उन दोनों को बाहर निकाल फेंकें जो बाकी 2 हैं. जब आप 2 ऑप्शन को ओमिट कर देंगे, इसका मतलब है आपने 50% एक्यूरेसी रेट हासिल कर लिया. रिमेनिंग 50% में फिर आपने कोई लॉजिक तलाश करना है, अपने माइंड को सेटिस्फाई करना है कि आखिर किस वजह से ये ऑप्शन मैं टिक कर रहा हूँ और किस वजह से दूसरे को मैं लीव कर रहा हूँ. जब कोई एक ना एक लॉजिक आप फाइंड कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका वो भी ठीक हो जाएगा. अब रहा कि डिफ़िकल्ट MCQs, उसके लिए जो मैंने क्या किया था कि जो फिजिक्स के डिफ़िकल्ट MCQ होते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, इजी हों डिफ़िकल्ट हों वो न्यूमेरिकल ही होते हैं. तो मैंने फिजिक्स की फर्स्ट ईयर,
सेकंड ईयर जितने भी न्यूमेरिकल हैं बाई हैंड सॉल्व किए, वो इतनी प्रैक्टिस में हो गई थी कैलकुलेशन में कि जितना मर्जी लेंथ एम सी क्यूज है उसमें फौरन आपको फार्मूला कौन सा लगेगा, उसने क्या पूछा है, कौन सी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है डिवीजन। आपने समझ के बस यही करना है कि ये चीज़ों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये डिवीजन करूँ, फार्मूलों को फौरन आपने समझ आना। तो इस तरह से आपने फिजिक्स के मैंने किए थे, आप भी इनके ऊपर कर सकते हैं। मजीद कैलकुलेशन को किस तरह से तेज करना है मैंने कैसे की थी, इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। अब एक लास्ट एक और बहुत अहम बात है कि अक्सर डिफिकल्ट एम सी क्यू तलबा को इतना डिस्टर्ब नहीं करते जितना कि ईजी एम सी क्यू करते हैं, और वो कैसे करते हैं कि अक्सर ऐसा देखा गया 2016 में 4 ऑप्शन ऐसे थे जो कि रोंग थे। नम्स में एक मैंने जैसे कि नम्स डिफिकल्ट 2018 के एम सी क्यू डिस्कस किए हैं, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। एक एम सी क्यू जो कि नम्स ने अपनी तरफ से करेक्ट दिया, हकीकत में उसके लॉजिक फाइंड किए कि आखिर इसमें करेक्ट ऑप्शन कैसे है, तो वो एम सी क्यू बिल्कुल ही रोंग था। ना तलबा को पता लगे ना नम्स वालों ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया, उन्होंने बस एक डिफिकल्ट एम सी क्यू बना के दे दिए। तो ऐसे एम सी क्यू जो कि ईजी लगते हैं आपको, लेकिन फिर आप देखते हैं कि यार ये ऑप्शन तो मुझे पता है ये करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, अब आप किधर जाएँ। तो आप ऐसे एम सी क्यू को भी डिफिकल्ट में रख कर लीव कर दें, आखिर भी जाकर टिक कर दें। जो तुक्का लेवल होता है वो तो आप एक मिनट में मार सकते हैं, एक मिनट में 20 का मार लें 30 का मार लें। तो ये थी चंद स्ट्रेटजीज। इसके अलावा एक और अहम बात है कि जो एम डी कैट के लेक्चर थे थोड़ी थोड़ी गाइडेंस थी वो थोड़ी देर के लिए, मैं लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गई है अभी मैं नहीं अपलोड कर पा रहा, जो उनसे फिजिक्स केमिस्ट्री के पास पेपर थे नम्स के वो भी कंपाइल होने ही वाले थे कि वो लैपटॉप अचानक ख़राब हो गया। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उसमें भी वापसी करेंगे। एक बहुत ही अहम वीडियो थी तलबा को गाइड करने के लिए जो कि अभी उनको गाइड करना ज़रूरी था, इसलिए बनाई, क्वेश्चन भी थे। होप यू बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर करें। थैंक यू।